बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी रबी इल्मा डियर व रहमतुल्लाहि व वर्कू वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मर्जर टुडे इट्स यू नो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ये चौथा लेक्चर है पार्ट फोर है इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं चेंजेज़ इन टेंस टेंस में जो हम तब्दीली लाते हैं वो क्या है याद रखिएगा हम जब भी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होता है प्रॉब्लम उस वक्त हमें आता है जब उस डायरेक्ट स्पीच को उस रिपोर्टिंग वर्ब को उस कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच से हम क्या था डायलॉग था राइट right? किसी बंदे के कोटेड वर्ड्स थे जब उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके बताना हो कन्वे करना हो मैसेज डिलीवर करना हो तो उस वक़्त हमें प्रॉब्लम एक ये आता है कि टेंस में कैसे हमें तब्दीली लानी है टेंस को हमें कैसे चेंज करना है क्या उसी टेंस में या बदल के देख लेते हैं ना अभी देखें इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है पास्ट में सबसे पहले देखें ये मैंने सेंटेंस लिखा ही सेज, ये बेसिकली जो पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं क्या ये पास्ट में है बिल्कुल नहीं ही विल से क्या ये पास्ट में है बिल्कुल नहीं अगर मैं कहता हूँ ही सेड क्या ये पास्ट में है बिल्कुल पास्ट में है अगर ये मैं कहूँ ही सेड तो ये भी क्या है पास्ट में है तो चीज़ हमने क्या पढ़ी इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज़ याद रखिएगा ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें कॉमा जहाँ पे हमने लगाया है इससे पहले का हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या फिर सब ऑर्डिनेट क्लास या फिर डिपेंडेंट क्लास ही सेज वो क्या कहता है पता ही कोई नहीं ठीक है वो कहता है क्या कहता है कोई पता नहीं राइट आई एम फ्लाइंग द काइट आई एम फ्लाइंग द काइट अब देखें ये जो है ये पूरा मीनिंग दे रही है ये प्रिंसिपल क्लास मैन क्लास जिसमें पूरा का पूरा मैसेज है तो हमने पढ़ा ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो फिर हमने टेंसिस में कौन सी तब्दीलियां लानी है देखें एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी पिछले से पिछले लेक्चर में कि V1 वो चेंज हो जाएगा V2 में और V2 चेंज हो जाएगा प्लस हेड प्लस V3 ये कुछ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कॉमन सेंस यूज़ करना है आप स्टूडेंट्स ने ताकि ये ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है अगर मैं इतने सारे टेंसेस लिख दूँ तो वो बस गत आप रटने लग जाएंगे टेंसेस को रटना 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 मैंने ये कुछ चीज़ें लिख इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझा दो ये वी वन तो वी टू क्या था वी टू और हेड प्लस वी थ्री क्या था राइट डी एस अभी देखें ये मैंने लिखा राइट अगर यहां पे भी आ जाता है क्या राइट पास्ट है तो यहां पे भी क्या आता राइट आता ही सेड कॉमा इन फिर आगे कोटेशन मार्क्स आई राइट या आई हेल्प यू टुडे या आई हेल्प यू जो मर्जी आगे आप लिख दें ठीक है अभी देखनी जो चीज़ है हमने वो ये देखनी है कि राइट अगर होगा किस में रिपोर्टेड स्पीच में क्योंकि हमने ये देखा है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो फिर देन जो रिपोर्टेड स्पीच होगी हमारी ये वाली ठीक है इसमें अगर राइट लिखा हुआ है तो ये राइट वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट है तो ये किस में चेंज हो जाएगी टू में हो जाएगी तो ये वी वन था और ये हमारे पास क्या आ गया वी टू वी वन प्लस वी टू क्योंकि हमने जो भी टेंस चेंज करना है बदलना है ना रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बदलेंगे हम ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब का जो आया हुआ है वो आया हुआ है हमने देखना है कि उसके मुताबिक हमने जो टेंस बदलना है वो किसका बदलना है रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टेड वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का ठीक है रिपोर्टेड स्पीच का आप सेंटेंस बदलेंगे ना कि आप रिपोर्टिंग वर्ब का राइट उसके बाद देखें अगर इज एम आर होता है टू बी इनके बी की फॉर्म्स आपको पता है उसका जो प्रेजेंट में यूजेज है इज एम आर है जब वो उसका फास्ट हम करते हैं यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वो वाज और वर हो जाता है अब देखें ये इज एम आर रहा है तो इनको हम कह सकते हैं वी वन ठीक है ये चेंज हो जाएगा किस में वाज और वर में तो इनको हम कह सकते हैं वी टू तो अब देखें इधर भी वी वन वी टू वी वन वी टू लेकिन ये समझने की बात है अगर समझना चाहें तो फिर तो समझ आ जाएगी क्योंकि वी जो होता है मैं कहता हूँ आई बी योर फ्रेंड आई एम इन कहूँगा आई एम योर फ्रेंड तो ये अच्छा लगेगा या आई बी योर फ्रेंड शी बी योर फ्रेंड ही बी योर फ्रेंड दे बी योर फ्रेंड कभी सुना आपने इस तरह नहीं सुना ना कि वो बी जो है उसके आगे फॉर्म्स हैं उसका प्रेजेंट में यूज इज एम आर के साथ है पास्ट का जो यूज है पास्ट इट्स सेल्फ सेकेंड फार्म को शो करता है तो वो वाज और वर हैं मौके की मुनासिबत से हम वाज और वर का कर इस्तेमाल करते हैं तो ये वी टू के खाते में चली जाएंगी और ये वी वन के खाते में चली जाएंगी जब इज एम आर होगा देखें यहाँ पे एम है फर्ज करें तो जब इधर पास्ट होगा तो फिर इस एम को हम किस में बदल देंगे वाज में बदल देंगे उसके बाद डी एसमेंट्स देखें हैज़ और हैव क्योंकि हैव जो होता है वो बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बदल देंगे किस में इसमें क्योंकि हैज़ और हैव एक ही हैं ठीक है हैव मैन वे ये उसका प्लूरल हो जाता है हैज़ लेकिन ये टेंस में यूज होता है इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो जब ये देखें लगे हुए हैं हैज़ और हैव कहाँ पे यहाँ पे इन जगहों पे कहीं पे भी तो हम क्या लगा देंगे हेड लगा देंगे और हेड बेसिकली क्या हो जाएगी वी टू हो जाती है हम इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास परफेक्ट में बदल जाता है तो फिर इसके बाद वी क्या हो जाता है थ्री हो जाता है लेकिन अगर ये टेंस के अंदर है अगर ये किसी और यूज के अंदर है ये वी थ्री नहीं आता सेंटेंस को समझेंगे सेंटेंस के हिसाब से आपने तब्दीलियां लानी हैं अभी देखिए रोट है ये कौन सी है वी टू अब ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वी टू है तो वी टू को हमने कहा है ये किस में बदल जाएगा हेड प्लस वी थ्री में अब देखें ये वी टू ये क्या था वी वन ठीक है और ये क्या आ गया हमारे पास हेड रिटर्न हमने कहा था कि V2 जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे अगला जो उसको कैस किस तरह बदलना है आपने जितना ये फ़र्ज़ करें लिखा हुआ इधर कोई होगा ही सेट आई हेल्प्ड इधर भी पास्ट है और इधर भी क्या है पास्ट है तो समझें कि ये वो जो रोड मैंने बोला ना वो यहाँ पे आ सकता है ठीक है जब वो रोड यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे उससे पहले हेड लगाएंगे और वर्ब थर्ड लगा देंगे इसी तरह हेल्प्ड से पहले हम क्या लगाएंगे हेड लगाएंगे और ये वी थ्री इसी तरह रहेगा ठीक है उसके बाद डियर वाज और वर्ड राइटिंग ये पास्ट कंटिनसटेंसीज हैं इनको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है तो जब इनको आपने जब कन्वर्ट करना है तो आपने क्या यूज़ करना होगा हैड ये देखें वी टू में आती हैं क्योंकि अभी अभी हमने इधर क्या पढ़ा है वी टू पढ़ा है ना अभी हमने ये तो इधर जाके भी ये वी टू ही रहेंगी ठीक है तो हमने इस बुक को किस में बदल देना है हैड में क्योंकि हमने कहा था जहाँ पे वी टू होगी आगे आप क्या लगोगे हेड लगोगे उसके बाद वी थ्री लगा दोगे ये जो बीन है ये इज एम आर फर्स्ट वाज वर क्या है पास्ट और बीन जो है ये थर्ड है अब देखिए सारी की सारी चीज़ें वो आ रही हैं राइटिंग इधर भी इसी तरह रहेगा इधर भी इसी तरह रहेगा होप सो कि अगर मेरा लेक्चर आप थोड़ा सा स्लोली आस्ता आस्ता इसको समझें तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आएगा लेकिन समझ उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप समझना ना चाहें और प्रैक्टिस ना करें ठीक है अभी डी स्टूडेंट्स में इधर आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस सेशन की तरफ मॉडल वर्ड्स मैंने इधर भी लिख दिया पिछले लेक्चर में भी लिखा और इनका तकरीबन हर लेक्चर में जिक्र करता हूँ ये भी मौके की मुनासबत से क्या करते रहते हैं चेंज होते रहते रहते हैं अगर इधर कहीं पे मॉडल वर्ब आ जाता है तो उधर आपने जो मॉडल वर्ब फरते के कैन तो वो कुड में विल है तो वुड में शिल है तो शुड में मस्ट है तो फिर वो है टू में यानी कि ये चीज़ें आपने क्या करनी होती हैं साथ साथ जहन में रखनी होती हैं अभी डी स्टूडेंट्स देखें मैं लेके चल रहा हूँ आपको यहाँ पर ही सेज वो कहता है आई एम फ्लाइंग द काइट मैं क्या कर रहा हूँ काइट उड़ा रहा हूँ अब ही सेज अब देखिए मुझे डी एस मिनट ये बताएं ये कौन सा टेंस है ही सेज प्रेजेंट टेंस है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी यानी कि ये जो पूरी की पूरी स्पीच है ये कौन सी है रिपोर्टेड स्पीच है हम इस कामे को भी रिमूव करेंगे इनको भी कोटेशन मार्क्स को भी रिमूव करेंगे लेकिन हम जो चीज चेंज नहीं करेंगे वो टेंस चेंज नहीं करेंगे नो चेंज इसको हम क्या कहेंगे नो चेंज क्योंकि रूल हमने ये पढ़ा था रूल हमने क्या किया था ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते चाहे वो प्रेजेंट में है पास्ट में है जिस मर्जी में है ठीक है उसके बाद देखें डीएसेंट्स यहां पे हम क्या करेंगे ही सेज सुन ले जरूरी थोड़ी ये लिखना ही काइट लिख देता हूं ही सेज दैट क्योंकि कॉमे को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे क्योंकि हमने कहा था कॉमा जो है वो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है उसके बाद ये हमने कहा था किसमें चेंज हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसके साथ चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ही तो आई के आई था, था तो हमने एम लगाया था जब ही आएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा इज फ्लाइंग द काइट टेंस हमने कोई नहीं चेंज किया हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज किया क्योंकि ये टाइम डिमांड कर रहा था कि यहां पे आप ही के साथ इज लगाओ ठीक है फ्लाइंग द काइट क्लियर हो गया राइट डियर अभी हमें मूव करता हूं आपको इस एग्जाम्पल की तरफ ही विल से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वॉटर ही विल से अब देखें ये चीज कौन सी है फ्यूचर में है जब यह चीज़ फ्यूचर में है तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर ये प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में हो तो हम आगे कोई चेंज नहीं लाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे जो चेंज लाना है हमने वो क्या करेंगे ही विल से दरमियान में क्या लगाएंगे आप दैट इस कॉमे को क्या करेंगे ख़त्म दैट लगाएंगे इसको भी क्या करेंगे ख़त्म ये फर्स्ट पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब तो हम क्या करेंगे ही विल से दैट आई की जगह क्या हो जाएगा ही उसके बाद वांट आ ग्लास ऑफ वोटर लेकिन जब हम कहते हैं ही है शी है इट है या कोई सिमुलर नाम आ जाता है तो हम एस यास का इजाफा करते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट्स हो जाएगा राइट अगर आई होता वी होता दे होता तो फिर तो वांट ही रहता राइट जब हमने इसके मुताबिक इसको चेंज किया तो यहाँ पे ही आ गया तो ही के साथ हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं अभी में लेके चल रहा हूं आपको पास्ट में असल कहानी जो हमने शुरू की थी असल कहानी हमारी क्या थी असल कहानी हमारी ये थी। क्या थी ही सेड कॉमा आई हेल्प यू ये हमने जहां से स्टार्ट किया था वो ये था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अब देखें ऊपर जो हमने पढ़ा था एक प्रेजेंट में था और एक किस में था फ्यूचर में था तो अब तो ये हमारे पास पास्ट में आ गया राइट right? तो फिर हमने आगे देखना है कि आई हेल्पड यू यस्टरडे अब ये हेल्प्ड है ये यहाँ पे क्या है वी टू है राइट right? तो जहाँ पे वी टू आ जाएगा फर्ज करें ये है वी टू तो हमने उसका रूल ये पढ़ा था कि जब उसको चेंज करेंगे तो वो किस में बदल देंगे हेड प्लस वी थ्री आ जाएगा अब देखें ही सेड तो हम इसको लिखेंगे इस तरह ही सेड दैट आई उसी तरह पता ही आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है ही हैड हेल्पड यू की जगह क्या हो जाएगा मी क्योंकि हमने प्रोनाउन्स को चेंज करना होता है मौके की मुनासबत से क्योंकि वर्फ के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो जरूरत है यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना येस्ट डे की जगह आपको पता ही है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर ये आपने चेंज कर लेना ठीक है उसके बाद ही सेड आई हैव टॉट यू दिस लेसन ही सेड आई हैव टॉट यू दिस लेसन अब ही सेड जब मैंने कह दिया ठीक है आई हैव अब हमने देखा है देखना ये है कि यहाँ पे हमने हैव का जिक्र किया था कि जब हैज़ या है, है वाजे वो किस में बदल जाएगा हेड में बदल जाएगा मौके की मुनासिबत हमने देखनी होगी कि अगर हेड के बाद वर्ब है तो वो वर्ब थ्री होगा अगर नहीं है तो बस फिर क्या होगा सिर्फ हेड होगा अब देखें डी एस ही सेड ये भी हमें पास्ट में मिल गया ठीक है ये भी पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है पास्ट में आगे क्या है आई आई, आई को हमने किस में बदल देना है जब हम लिखेंगे ही सेड आई इसके मुताबिक हो जाएगा तो दैट के बाद क्या लगेंगे आप ही और ही के बाद क्या आया हुआ है? हैव ये फर्स्ट है तो इसको हमें किस में बदल देना है टू में तो ही के बाद क्या आ जाएगा हैड ही हैड उसके बाद इसको ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास परफेक्ट में चेंज होता है अगर वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो वो भी ठीक है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको ठीक है हेड उसके बाद टॉट थर्ड फॉर्म आ गई उसके बाद यू की जगह क्या हो जाएगा मी दिस की जगह क्या हो जाएगा दैट ठीक है जी लेसन अभी हमने पढ़ा था दिस दैट में चेंज होता है राइट अभी डी एसमेंट्स हमारा लेक्चर क्या होता है यहाँ पे ख़त्म होता है राइट तो अब डी स्टूडेंट्स ये कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है तो अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंस के ऊपर और उसके बाद हम चलेंगे आगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की तरफ अब देखते हैं वो क्या है तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़